गाजियाबाद जिला प्रशासन द्वारा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत ही जहां पर अनूठी पहल की शुरुआत हुई है। जिला अधिकारी राकेश कुमार सिंह और मुख्य विकास अधिकारी द्वारा ही बेटियों को प्रोत्साहित करने के लिए बेटी का नाम घर की शान कार्यक्रम के तहत अधिकारी कर्मचारी मीडिया कर्मी आम जनता को बेटियों के नाम की जहाँ पर घरों में नेम प्लेट दी गई है। तकरीबन 25 लोगों को बेटियों के नाम पर प्लेट दी गई है। बता दें कि बेटियों को दी जाने वाली नाम प्लेट पर कार्यक्रम का नाम बेटी का नाम घर की शान घर में मौजूद बेटियों का नाम लिखा है। प्राइम बीके न्यूज चैनल के लिए अमरपाल गाजियाबाद उत्तर प्रदेश। जनपद गाजियाबाद में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो एक सेंट्रल प्रोग्राम है सेंट्रल गवर्नमेंट का, उसमें हमने पिछले कई सालों में विभिन्न कार्यक्रम किए गए हैं और आज उसी कड़ी में आज हमने नेम प्लेट्स बेटियों के नाम की नेम प्लेट्स वितरण का कार्यक्रम यहाँ पे ऑर्गेनाइज किया है, जहाँ पे कई आईएएस ऑफिसर्स कर्मचारी अधिकारी मीडिया के पर्सनल और जनरल पब्लिक के कुछ लोगों को अभिभावकों को हमने नेम प्लेट्स का वितरण किया गया है जहाँ पे जो जिनके पास बेटियाँ हैं। नेम प्लेट्स पे क्या कुछ लिखा हुआ है? वहाँ पे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के लोगों के साथ उनकी बेटी का नाम है और मेरी बेटी मेरी पहचान। कितने लोगों को वितरित किए हैं? आज के प्रोग्राम में हमने अराउंड 25 नेम प्लेट्स का वितरण किया है। आगे आने वाले समय में इस कार्यक्रम को शहरी क्षेत्र और ग्रामीण क्षेत्रों में किस तरह से आप चलाएंगे? आज की जो पहल थी ये समाज में एक संवेदनशीलता लाने के लिए है, बेटियों के लिए, उन अभिभावकों के लिए है जो अपनी बेटियों पर नाज करते हैं और उनकी पहचान को बढ़ावा देंगे। मेरा नाम संजीव वर्मा है। आज आप किस लिए यहाँ पर? आज प्रशासन की तरफ से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो कार्यक्रम चल रहा है उसी के तहत एक कार्यक्रम इन लोगों ने शुरू किया था कि बेटी के नाम से नेम प्लेट। तो मेरे दो बेटियां हैं, मेघा वर्मा और अनुष्का वर्मा, उन दोनों के नाम से मुझे एक नेम प्लेट दी गई ताकि मैं उसको अपने घर के आगे अपने घर की पहचान बेटियों के नाम से रख सकूँ। तो ये पहल जो की गई है क्या गाजियाबाद में शुरू की गई है अभी? जी, ये गाजियाबाद की ही पहल है, मुझे तो लगता है गाजियाबाद में वो बहुत अच्छी मुहिम है। और आगे क्या देश में चलानी चाहिए? नहीं, बिल्कुल होनी चाहिए। बेटियों के नाम के लिए, बेटी की पहचान के लिए बहुत ज़रूरी है कि नेम प्लेट का नाम जो अपने घर का नाम वो बेटियों के नाम से होगा तो एक बहुत अच्छा मतलब मैसेज जाएगा समाज में। समाज में क्या परिवर्तन होगा इससे? बिल्कुल होगा समाज में परिवर्तन का, जो हमारे समाज में जो बेटियों के साथ जो बेटा और बेटी में जो भेदभाव किया जाता था वो शायद मुझे लगता है ये खत्म होगा, निश्चित रूप से खत्म होगा।